हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जबत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा लेक्चर है, 25th लेक्चर रहने वाला है। तो आज की क्लास में हम 11th फिजिक्स का जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके थर्ड चैप्टर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मोशन जो है, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि मोशन क्या है, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो आपके जो पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है पोजीशन के अंदर किसी टाइम इंटरवल के साथ में, तो उस चीज़ को हम मोशन बोलते थे। तो अब बात करते हैं कि मोशन कितने टाइप का होता है, उस चीज़ को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और साथ ही पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, किस चीज़ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और फिजिक्स की आगे की जितनी भी टर्म्स हम उसमें यूज करते हैं तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में भी हमें पता हो। नेक्स्ट उससे आगे है कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, जिसमें हम कोई ग्राफ वगैरह मोशन जो है वो पढ़ेंगे, तो इसलिए उसके बारे में भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जिन स्टूडेंट्स का पिछला लेक्चर जो है छूट गया था, जो बेसिक था आपके इस चैप्टर का, तो उसका लिंक आपको ऊपर वीडियो के ऊपर जो है आई बटन क्लिक दिख रहा है, तो उस पर आप जा करके क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। और नीचे जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने लिखा, क्योंकि जब मैं एग्जांपल्स वगैरह आपको दूंगा तो इसको शायद इरेज करना पड़ जाए। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिए हैं तीनों के तीनों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे इसके जो टॉपिक है आपका मोशन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका ट्रांसलेशनल मोशन, नेक्स्ट आपका रोटेशनल मोशन, और उससे नेक्स्ट आपका थर्ड वाइब्रेशनल मोशन। तो फर्स्ट जो आपका ट्रांसलेशनल मोशन वो क्या है, इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ो एक बार। ए बॉडी हैज ट्रांसलेशन मोशन इफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि कोई बॉडी जो भी यूँ कहें मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कैसा मोशन है, एक ऐसा मोशन है जो भी जो दो पॉइंट हैं जिनके अलोंग आपकी बॉडी जो मोशन करेगी वो कैसे पॉइंट्स हैं उनको आप ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, टू पॉइंट्स ऑन द बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी के ऊपर अगर हम दो पॉइंट्स को जो है नोटिस करते हैं, वो दोनों जो पॉइंट्स हैं जितना भी उसने मोशन किया है कंप्लीट मोशन के दौरान, वो दोनों जो पॉइंट हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहे, ऐसा मोशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इसका जो डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो क्या है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई आपका बॉडी थी। ठीक है, इस बॉडी में हमने कोई दो, इसका जो मोशन हुआ यहाँ से होना स्टार्ट हुआ और ये जो है किसी इस डायरेक्शन के अंदर बॉडी जो आपकी मोशन कर रही है, लेकिन इस बॉडी के अंदर हमने दो पॉइंट्स ले लिए ये ए और बी। ठीक है, मोशन आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉइंट हमने इस डायरेक्शन में ये ले लिए, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस था, इन जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है, उसने क्या लिखा कि बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू आउट द मोशन। जो आपकी ये था, इफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए बॉडी रिमेन्स पैरेलल, ठीक है ना, ये आपके पास ये पैरेलल रहे, यहाँ से आप अगर हम इसकी पोजीशन को यहाँ पर अगर बनाते हैं तो ये जो पॉइंट्स थे पहले इस पोजीशन पर थे, इसी के पैरेलल ये ए और बी जो है वो यहाँ पर आ जाएं, यानी कि बॉडी की पोजीशन यहाँ से यहाँ चली गई, बट ये जो पॉइंट्स थे आपके, इसको अगर मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूँ तो ये जो आपके एक दूसरे के पैरेलल हैं, यही चीज़ हमारा ट्रांसलेशन मोशन जो है हमें बताता है। ठीक है, यही इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें बता रही है कि इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही थी और जब कुछ मोशन हुआ और दूसरे पॉइंट बी पोजीशन पर जो ये चली गई, कोई अनदर पॉइंट यानी कि ये पी था, ये एम पर चली गई बॉडी कंप्लीट मोशन करके किसी भी डायरेक्शन में, बट आपका जो ये ए बी के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही थी, इसको जब हमने हमारे पिछले जो पी पॉइंट के जो डायग्राम था आपका, पी पॉइंट पर जब आपका ऑब्जेक्ट था उससे मैच किया, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, यही मोशन जो है आपका वो क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम अगर मानते हैं, जो हमें
देखने को मिलता है, जैसे बस जो है कोई स्ट्रेट रोड के अलोंग जो मूव कर रही है, तो उस बस के अंदर कोई भी दो पॉइंट आप ले लें, उठा लें, तो वो कैसे रहेंगे? एक पोजीशन पर यहाँ है, तो कुछ टाइम के बाद अगर उसने मोशन किया स्ट्रेट लाइन के अंदर तो वो आगे चले गए, बट वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे या सेम लाइन के अंदर जो है वो लाई करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल या फिर वो सेम लाइन के अंदर जो है वो रहेंगे। यही चीज़ हमारी ट्रांसलेशनल मोशन की जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रोटेशनल मोशन, तो नेक्स्ट जो आपका क्या है, रोटेशनल मोशन, इसको देखते हैं। इस रोटेशनल मोशन में हमें, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कोई रोटेशन की, किसी चीज़ के अबाउट जो है कोई रोटेशन होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऐसे मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें किसी रोटेशन, किसी चीज़ के, किसी ऑब्जेक्ट के अलोंग जब हम रोटेशन करते हैं तो जो मोशन होगा उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन अगर इसमें देखें, ए बॉडी हैज रोटेशनल मोशन इफ इट मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि हमने ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बना दी, ठीक है, ये आपकी फिक्स कर दी, इस फिक्स एक्सिस के अबाउट जो भी मोशन होगा, रोटेशनल जो मोशन होगा वो क्या होगा, उसको हम कैसे लिखेंगे, सच दैट ऑल द पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ द बॉडी मूव्स साइमल्टेनियसली अलोंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि इसका जो रोटेशन, जब इसने किया रोटेशन किया तो मूवमेंट हुआ, लेकिन जो आपका जो सर्कल बनेगा, जो ऑर्बिट बनेगा, यूं कहें जो मोशन को पाथ फॉलो करेगा कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, वो कैसे करेगा, इस प्रिंसिपल, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी आपकी, इसको वो सेंटर मानेगा, अपना सेंटर मान करके उसके चारों तरफ जो मोशन होगा उसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल मोशन बोल रहे हैं। जैसे कि आपका जो सन है उसके चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है, तो वो जो रोटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। उसी चीज़ का ये एग्जाम्पल है, जैसे कि ये यहाँ पर इसका सेंटर हो गया और इसके अलोंग जो है कोई बॉडी मूव करे, हाँ इसका सेंटर जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, कहाँ पर, आपके इस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस पर वो फिक्स रहेगा। दूसरा इसमें अगर हम देखें तो इसका जो ये सर्कुलर जो पाथ बनाया है, इसने जिसके अलोंग इसने रोटेशन किया है, ये पाथ की जो ओरिएंटेशन है वो कुछ भी हो सकती है, वो ऐसे हो, लेकिन आपके पास जो है उसका जो सेंटर आएगा वो क्या होगा, उसकी लोकेशन होगी वो कैसी होगी, वो फिक्स होगी आपकी, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो वही दो पॉइंट मैंने बताए हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी चेंज इन ओरिएंटेशन जो है वो हो सकती है, ओरिएंटेशन के अंदर आपका चेंज आ गया, बट उसकी लोकेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्रॉस और ये यस का सिंबल जो है इसीलिए बनाया है कि चेंज इन ओरिएंटेशन हो सकता है, बट आपका चेंज इन लोकेशन जो है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो नहीं हो सकता। अगर वो चेंज आ गया लोकेशन के अंदर तो आपका रोटेशनल मोशन का पार्ट नहीं होगा, कोई और चीज़ का वो एग्जांपल जो है वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी में आपका मोशन जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रोटेशनल मोशन था। नेक्स्ट आपका है कि वाइब्रेशनल मोशन, तो ये मोशन कैसे होता आपका, आपने आपकी कोई वॉच हो तो उसमें देखा होगा कि नीचे उसका जो पेंडुलम जो है एक बोब लटका रहता है किसी वायर के थ्रू या किसी थ्रेड के से बंद करके, ठीक है, जब वो मोशन करता है आपका जो लोहे की रोड से या फिर किसी वायर से जो बंधा होता है वॉच के अंदर, तो उसके अंदर एक मोशन होता है कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो उस मोशन को हम कैसे बोलते हैं, उस मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं इसका एक डायग्राम और आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये फिक्स है, ठीक है, और ये आपका जो रोड थी या फिर थ्रेड था या फिर जो भी वायर वगैरह जो भी थी, इसके नीचे जो है ये बोब जो था लोहे का ये बंधा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पर कोई मोशन हुआ और ये मोशन करके एक बार इस तरफ जाता है और फिर वापसी में ये वापसी इस तरफ आता है, ठीक है, तो ये जो मोशन है आपका ये वाला, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। इस टू एंड फ्रो मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। जो ये मोशन जो कर रहा है आपका, ये पेंडुलम कर रहा है, वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है आपका, सिंपल पेंडुलम भी हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर प्लस वन क्लास में यूज करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो ये जो मोशन है, एक बार टू एंड फ्रो जो मोशन होगा आपका, ये इस मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। वो कंप्लीट सर्कल भी नहीं लगा रहा है, यानी कि वो रोटेशनल मोशन भी नहीं दे रहा है कंप्लीट हमें, और कोई मोशन भी, बट हाँ ये यहाँ से ये आपकी क्या मेन पोजिशन है, मेन जो ये, यानी कि जो ये बंद है
या फिर एक्चुअल जो कंडीशन है इसकी वो क्या है, वो यहाँ है, इससे इस तरफ या इस तरफ जो मोशन चलता है इसका कंटिन्यूसली, तो उस चीज को टाइम इंटरवल के साथ, यानी ये नहीं है कि कभी ये इस तरफ कभी ये, बट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के अंदर ये बॉब जो है यहाँ से चल करके यहाँ और यहाँ जो है वो एक रोटेशन को कंप्लीट करता है, उस मोशन को जो है, उस मोशन को जो हम क्या बोलते हैं, उसको हम वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ए बॉडी हैज वाइब्रेशनल मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि रेगुलर टाइम के इंटरवल के बाद में टू एंड फ्रो जो मोशन होगा उसी चीज को हम क्या कहते हैं, यह आपका क्या है, अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजिशन और द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। यानी कि मेन पोजिशन या फिर इक्विलिब्रियम जो पोजिशन थी ये सेंटर वाली, इसके अलोंग जो है यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, टू एंड फ्रो मोशन जो है इसके रिस्पेक्ट में किया, एक बार आगे गया एक बार पीछे आया, और इस मोशन को, इस कंप्लीट फिनोमेना को, इस कंप्लीट मोशन को हम क्या बोल रहे थे, इस बॉडी के, उसको हम वाइब्रेशनल मोशन बोल रहे, ठीक है। इस डेफिनेशन में हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या कह रहा है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मीन और पोजिशन, मीन पोजिशन या फिर इसका जो है इक्विलिब्रियम पोजिशन कहते हैं, ना कि इसकी ये जो डेफिनेशन लिखी इसको हम ये कहेंगे, ये आपका क्या बता रहा है, फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द मीन पोजिशन और द इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये जो फिक्स्ड पॉइंट था आपका, ये जो इसका फिक्स्ड जो ये पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये बॉब जो है ये मोशन कर रहा है, इस चीज को हम क्या बोल रहे थे, इस चीज को हम बोल रहे थे इक्विलिब्रियम पोजिशन या मीन पोजिशन। और जब इसके थ्रू ये टू एंड फ्रो जो मोशन शो करता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपके मोशन के तीन टाइप्स थे, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स जो थे हमारे आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो है आपका, इसी में नेक्स्ट टॉपिक में लिख देता हूँ एक बार, उसमें भी थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो उसको मैं लिख करके ही आपको एक बार समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका है इसमें वो क्या है, हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट आपका वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आपका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या है, आपका ये मोशन जो चैप्टर है इसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक बार आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अगर इसको इरेज कर दूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका था पॉइंट ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल। अब एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट जो है किसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है, कि वो कोई चीज़ है, कोई बॉडी है, वो मोशन कर रही है, और उस रिस्पेक्ट में हम उसकी जो लेंथ, ब्रेथ वगैरह है, जो भी है उसकी थिकनेस है, उन सभी को हम क्या कर सकें, नेग्लिजिबल कर सकें, नेग्लेक्ट करने के लायक है, उसके कंपेयर्ड है, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। कैसे है, देखो प्रॉपर डेफिनेशन हमें क्या कह रही है, कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे या पार्टिकल कब कहेंगे, यदि उसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या हो, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। यानी कि क्योंकि ये मोशन के टर्म्स में हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को या किसी पार्टिकल को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेकर के चलेंगे, कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उसके रिस्पेक्ट में वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, कितना उसका जो है साइज है, क्या उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, थिकनेस है, जो भी उसके डायमेंशंस हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या हम उसको, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उसको उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो डायमेंशंस थी उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या। ऐसा अगर है तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा या फिर एक पार्टिकल कहलाएगा। अब कुछ एक स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा डीपली अगर इसको समझने चले जाएँ तो ऑब्जेक्शन क्या करेंगे, कि एक पार्टिकल क्या चीज़ है, वो अलग ही मैटर पर चले जाएंगे, वो केमिस्ट्री उसमें बीच में इन्वॉल्व कर देंगे और वहाँ पर आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसकी जो डेफिनेशन थी वो लिखी है, क्या कह रहा है वो उस पर, कि पार्टिकल किस रिस्पेक्ट में है, किस कंपेरिजन में उसको पार्टिकल बोला है उसने, कि हमारा जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया वो इतना ज़्यादा था कि उसके रिस्पेक्ट में जो आपकी बॉडी थी, जिस जो आपका ऑब्जेक्ट था वो क्या दिख रहा है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल उसका साइज है। यानी कि अगर हम बात करें, हमने बहुत लंबा जो कोई डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना है, लेकिन हम उसको किससे जो है ट्रैवल करना स्टार्ट कर दें, साइकिल से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दें, तो साइकिल आपका क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपके उस बहुत सारे लंबे जो डिस्टेंस था आपका उसको ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके रिस्पेक्ट में साइकिल का जो साइज है
उसको देखो, उसको नोट करो, तो वो एक पार्टिकल के रूप में काम करेगा इतने बड़े डिस्टेंस के लिए। वो चीज़ आपके क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर एक पार्टिकल कहलाए, ठीक है। बाकी इसमें नेक्स्ट जो आपका कि मोशन क्या है, मोशन को हम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में भी डिस्कस करेंगे। तो वन डायमेंशनल जो मोशन है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है, एक पार्टिकल जब मूव करता है किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो उसको हम क्या कह देते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कह देते हैं, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन हो, वो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि वो किसी पाथ के अलोंग ही तो मोशन करेगा, उस पाथ को हम क्या कह देंगे, हम उसको वन डायमेंशनल मोशन कह देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये कोई पॉइंट था, यहाँ से एक जो कोई आपकी बॉडी थी, ठीक है, इसने चलना स्टार्ट किया और चलते चलते ये किसी इस पॉइंट पर आई, फिर इस पॉइंट पर चली गई और फाइनली इस पॉइंट पर। तो जो ये मोशन कर रहा है इस बॉडी के अंदर, मान लीजिए ये ओ पॉइंट जो था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ओरिजिन पॉइंट था, ठीक है, यहाँ से चल करके इस ए पॉइंट और बी पॉइंट होते हुए वो किस पर आई, इस सी पॉइंट पर आकर के उसने अपनी जर्नी को जो है एंड कर दिया। उसका जो मोशन रहा वो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग रहा, किसी एक डायरेक्शन में रहा, किसी एक एक कोऑर्डिनेट के अलोंग वो रहा। कैसे इसको हम लिखें, मान लीजिए कि इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक्स जो डिस्टेंस था उसको ट्रैवल करके ये कहाँ पहुँच गया, ए पर पहुँच गया। तो ये जो डेफिनेशन दे रही है, ये जो हमारी बॉडी के बारे में जो ये कोऑर्डिनेट बता रहा है वो क्या बता रहा है, ये सिंगल कोऑर्डिनेट हमें बता रहा है कि पहले इस पोजिशन पर था, एक्स डिस्टेंस चलने के बाद वो इस पोजिशन पर आ गया। यानी कि एक जो आपका एक्स की वैल्यू थी उसने आपकी बॉडी को डिफाइन कर दिया, उसकी पोजिशन को बता दिया कि वो बॉडी कहाँ गई, किसके अकॉर्डिंग उसने जो है वो ट्रैवल किया, मोशन जो है वो कैसे किया, ठीक है। ऐसे ही सेम ये ए से बी पर जाए या ओ से बी पर जाकर के रुके, तो वो कोई एक एक्स डैश डिस्टेंस मान लो, तो ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। ये क्या कहलाएगा, जब कोई बॉडी किसी प्लेन के अलोंग मोशन करती है, मूविंग इन ए प्लेन इज सेड टू हैव टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर अदर थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में देखें इसको, सेकंड लैंग्वेज में, तो क्या है, टू कोऑर्डिनेट्स जो रिक्वायर्ड है किसी चीज की पोजीशन को बताने के लिए, उस किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे एक फिनोमेना को कहिए या ऐसे एक प्लेन को कहिए, उसको हम क्या कहते हैं, टू डी प्लेन कह देते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि ये आपका कोई टू डायमेंशनल जो है, ये आपका क्या है, प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये दो एक्सिस जो मिलकर के एक प्लेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये आपका टू डी प्लेन, ये प्लेन आ गया। अब इस प्लेन में मान लीजिए पहले पी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था, इसने मूव किया और यहाँ पर चला गया, वो कहाँ पर चला गया, वो किसी क्यू पॉइंट पर जो है वो चला गया, ठीक है, ये पी से क्यू पर चला गया। पी पर उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम देखें तो क्या थे, यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है, इसको हमने क्या मान लिया, वाई वन आ गया। और ये यहाँ से अगर हम देखें, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये कितना था आपका, इसी के पैरेलल ये डिस्टेंस होगा, तो ये क्या है आपका एक्स वन मान लेते हैं हम। तो एक्स वन वाई वन जो है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पी पोजिशन पर। किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को दो कोऑर्डिनेट्स मिलकर के जब डिफाइन कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब कर दें इस पोजिशन को, तो उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। कब कहेंगे, एक्स वन से कहाँ चला गया, वो एक्स टू पोजिशन पर चला गया और वाई टू पोजिशन पर चला गया। अब हमारा जो ये जो कोऑर्डिनेट्स थे ये पोजिशन के बारे में कब बता रहे हैं, इन दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से, एक्स टू और वाई टू कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमें पता लग गया कि आपका ऑब्जेक्ट अब फिलहाल पी से मोशन करने के बाद कहाँ चला गया, क्यू पर, और वो किस पोजिशन पर है, पहले किस पोजिशन पर था, एक्स वन वाई वन कोई पॉइंट था, कोई पोजिशन थी जिस पर वो पॉइंट पी बना हुआ था, वहाँ पर था, आफ्टर जो मोशन था टू डायमेंशनल कोई मोशन किया और उसकी वजह से उसके बाद वो कहाँ चला गया, एक्स टू वाई टू कोई प्लेन, कोई यहाँ पर एक जो कहें प्लेन बन रहा था या यूँ कहें कि कोई पॉइंट क्यू था उसके ऊपर चला गया। तो ये इसकी जो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स थे एक्स और वाई, ये मिल करके हमें इसकी पोजिशन के बारे में बता रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। सिमिलरली जब थ्री डायमेंशनल मोशन आता है तो आपके पास एक एक्सिस और आ जाती है और उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस, ठीक है, ये आपकी कैसी एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस, मान लीजिए कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस आपकी ये बोर्ड की जो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो आपकी ये जेड एक्सिस मैंने इस तरफ जो ये ड्रॉ की है यहाँ पर, ये जेड एक्सिस कैसी है आपकी, ये आपकी
ये जो है, ये जो मार्कर है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये 3D डायमेंशनल प्लेन हो गया, यानी कि इसकी कोई हाइट भी होगी, कोई इसकी ब्रेथ भी होगी, कोई लेंथ भी होगी। तो इसमें तीनों फॉर्मूले जो हैं, तीनों जो काम है वो काम कर, तीनों जो फिनोमिना है वो काम करेंगे। इसमें हम कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो कैसे होंगे, एक्स वाई और जेड जो है, तीन कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पर काम करेंगे थ्री डायमेंशनल के अंदर। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या कह रहा है कि मूविंग इन स्पेस इज सेड टू हैव थ्री डायमेंशनल मोशन। 3D मोशन मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में, जब पार्टिकल मूव करता है स्पेस के अंदर, यानी कि खुला स्पेस है। तो यहाँ से मान लीजिए स्पेस के अंदर ये कोई पॉइंट मैंने फिक्स किया, ठीक है, यहाँ से कोई यूँ सोच लीजिए कोई इंसेक्ट है, यानी कि कोई मक्खी है, ठीक है, वो फ्लाई करते हुए यहाँ इस पॉइंट पर आई, इस पॉइंट पर मैंने नोट किया उसको। अब मैंने यहाँ से देखा, ओरिजिन से खड़ा हूँ मैं, ये यहाँ इस हाइट पर है, यहाँ से ओरिजिन से हमने देखना स्टार्ट किया। तो यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो ये कोई लेंथ है इसकी, यहाँ से अगर ऊपर देखें तो कोई हाइट, ये जो ब्रेथ भी होगी इसकी और कोई हाइट भी होगी इसकी, ठीक है। तो उसी तरह से इसका जो स्पेस के अंदर आपके तीन जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें हम इसकी पोजीशन को डिफाइन कर पाएं, डिस्क्राइब कर पाएं, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम थ्री डायमेंशनल मोशन बोल रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई और जेड एक्सिस में, यानी कि यहाँ से एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और जो जेड एक्सिस थी आपकी, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस, इसके बीच में यहाँ पर कोई वो मोशन करते हुए, यहाँ पर जो मक्खी थी आपकी वो फ्लाई कर रही है, यहाँ पर है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एक इस तरफ एक्सिस है, एक इस तरफ एक्सिस है, एक इस तरफ एक्सिस है ऊपर की तरफ। तो ये तीनों जो एक्सिस हैं ये मिल करके इसकी पोजिशन को डिस्क्राइब कर रही हैं, ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मिल करके आपके इस पोजिशन को बता रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे पास थ्री डायमेंशनल में इसमें जेड वन भी आ जाता है और यहाँ पर जेड टू जो है, नई टर्म जो आ जाती है, नया जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाता है। तो जो तीन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोई पोजिशन बताई जाए किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। किसी दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर बता दी जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल। और सिंगल एक कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी कि जैसे एक्स एक्सिस पर कोई मोशन हुआ उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन के अंदर माना और एक्स की जो वैल्यू थी उसी के अकॉर्डिंग हमने उसकी वैल्यू को बता दिया, उसकी पोजिशन को बता दिया, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको वन डायमेंशनल मोशन कह रहे थे। अगर हम इसकी वैसे डेफिनेशन की बात करें तो आपके पास क्या था, जब कोई बॉडी मूव करती है किसी प्लेन के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2D प्लेन में 2D मोशन कहेंगे, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। वैसे ही जब कोई बॉडी स्पेस के अंदर मूव करती है, जिसके पास जो स्पेस के अंदर मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, ये मान लीजिए ये एक्सिस थी, इसके अलोंग इसने चलना स्टार्ट किया, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन पर, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच गई, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन जो इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अगर वो इन दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, यानी कि वो इन, ना तो इस लाइन पे चल रही है ना इस लाइन पे, वो कहीं इस लाइन पर, इस प्लेन में जा रही है, इस एक्स वाई, ये प्लेन जो बन रहा है, इस तरफ एक्स एक्सिस को इसने कवर किया है यहाँ से, इस तरफ इसने वाई एक्सिस को, तो इन दोनों के सेंटर में यहाँ से कहीं इनके बीच में जो कोई, ये प्लेन जो कवर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसके बीच में कोई मोशन किया, तो यहाँ पर मान लीजिए उसकी पोजीशन है, तो यहाँ आ गई, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ से समझ सकते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी क्या है, ये बुक जो है आपका, ये आपका एक्स वाई प्लेन, ये आपकी एक्स एक्सिस मान लो, ये आपकी वाई एक्सिस मान लो, ठीक है, इस तरफ मान लो तो इस तरफ मान लो, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कोई मोशन करवाया, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल आया, ठीक है, तो मान लीजिए कि वो जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो था आपका वो कैसा था, वो मैंने ये जो इससे मैं मार्कर से एक पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पर, ये जो है ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये मार्क जो किया मैंने, इस मार्क से हम क्या पता कर सकते हैं, इस मार्क के बारे में जब हम इसकी पोजीशन को बताएंगे तो क्या बताएंगे। मान लीजिए ये ओरिजिन है आपका, या फिर मैं ये इस तरफ से मान लेता हूँ, ये ओरिजिन है ये नीचे, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ से अगर मैं इसकी इस तरफ चलूँ और यहाँ करके देखा मैंने इसकी जो डायरेक्शन थी यहाँ, तो यहाँ पर कोई इसकी डिस्टेंस आई है, ये एक्स एक्सिस अगर है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, तो इस वाई एक्सिस पर भी कोई, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर कोई आया है, तो इन दोनों की, इस जो आपका ये जो डॉट था इसकी पोजीशन कहाँ आई, इस एक्स वाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही कहीं ना कहीं है, तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर इसकी पोजिशन को जब हम डिफाइन कर रहे थे, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट था, ये एक्स का कोऑर्डिनेट इस तरफ, ये वाई का कोऑर्डिनेट,
तो इन दोनों की जब वैल्यूज को लिखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ इतना एक्स एक्सिस पर चलना है, इतना वाई एक्सिस पर चलना है। उसके बाद जब हम उनके इंटरसेक्शन पर जब पहुंचेंगे तो उस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा हुआ है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसकी पोजिशन की वो हमें वहाँ से पता लग रही है। ऐसा ही थ्री डायमेंशन के अंदर, तो ये आपके पास ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो थे ही, ये आपके पास जेड एक्सिस और आ गई हाइट। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेन के अंदर ना आकर के उन तीनों के बीच में कहीं इस हवा के अंदर यहाँ, यानी कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ये था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ये प्लेन जो था अभी तो एक्स और वाई प्लेन के अंदर ये पॉइंट था, बट ये जो पॉइंट है ये हवा में आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए। मान लीजिए ये जो मेरी फिंगर की जो टिप है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, तो ये जो मोशन होगा कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, इसकी पोजीशन को इस पार्टिकल की, कि इसकी जो हाइट है जेड एक्सिस पर वो इतनी है, एक्स एक्सिस पर ये यहाँ है और वाई एक्सिस पर वो इतना ऊपर है। तो तीन कोऑर्डिनेट्स हमें इसकी पोजीशन के बारे में डिफाइन करके देंगे, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन बोल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्लाइड वगैरह से मैं बता पाता तो 3D जो मैं 3D में इस चीज़ को दिखा पाता अच्छे से आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये कुछ एक और बेसिक टर्म्स थी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ये वन डायमेंशन और टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन जो मोशन हमने पढ़ा है, इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, ये कुछ और टर्म्स जो है इसमें आगे हम समझेंगे, उनको सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच के, आपको जल्दी से जल्दी उनकी उनका मैसेज मिल सके, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल जो आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक थोड़ा जल्दी आ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।